जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपी बिल्डर की न्यू अपडेट के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि उसमें यूआई में क्या क्या डिफरेंस आया है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि उसका जो यूआई है वो पहले से डिफरेंट हो चुका है। जो पहली अपडेट की बात करें तो उसका जो यूआई है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अभी हम यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या नया कॉम्पोनेंट देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मेकारॉइड में अब न्यू ऑप्शन आ गया था कि कॉपी स्किन का, तो अभी इसमें एपी बिल्डर के अंदर भी आ गया है कि स्किन वन की जो कंपोनेंट है वो आप स्किन टू में कॉपी कर पाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो यूजर इंटरफेस के अंदर हमें कुछ भी नया चीजें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमें और एक नया कैटेगरी यहाँ में ऐड कर दिया है इफेक्ट्स का। उस इफेक्ट्स के अंदर हमें तीन चीजें नया मिल जाता है कि एक है ड्यूरेशन, एक स्लाइड बार और स्नेक बार। उन तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया है न्यू अपडेटेड में। तो उसके साथ ही हमें और एक यहाँ पे कंपोनेंट देखने को मिल जाता है जो है गूगल स्प्लिट शीट का। तो वो कंपोनेंट हमें पहले को नहीं देखने को मिलता था। और लाइव टेस्टिंग के लिए भी नया कंपेनियन जो एप्लीकेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। तो उन्हीं सारी अपडेट के साथ एपी बिल्डर ने अपना न्यू वर्सन को रिलीज कर दिया है। तो देखते हैं वो हमारे न्यू मेकारॉइड के साथ टक्कर दे पाता है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।